माँ आदिशक्ति कौन है? महादेवी, जिन्हें देवी, शक्ति, आदि पराशक्ति और आदि शक्ति के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, आदि देवी या दिव्य माँ है, सर्वोच्च ऊर्जा, जिनके पास सभी धन, सभी शक्ति, सभी प्रसिद्धि, सभी सौंदर्य, सभी ज्ञान, सभी त्याग है और हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की निर्माता है। देवी आदिशक्ति का जन्म कैसे हुआ? महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से आठों भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। आद्या शक्ति क्या है? माता दुर्गा को इस सृष्टि की आद्या शक्ति यानी की आदि शक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी भी उन्हीं की शक्तियों से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। माता दुर्गा, हिंदू धर्म माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। आदिशक्ति कैसे पैदा हुई? जहां ब्रह्मा जी ने बताया कि महिषासुर की मृत्यु किसी कुवारी कन्या के हाथ से ही होगी, जिसके बाद सभी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियों और सम्मिलित तेज से आदिशक्ति के इस रूप को प्रकट किया। इस दौरान अलग अलग देवताओं के तेज से देवी माँ के स्वरूप का निर्माण हुआ। आदिशक्ति का मतलब क्या होता है? आदि शक्ति या आदि पराशक्ति या महादेवी दुर्गा को सनातन, निराकार, परब्रह्म, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। आदि शक्ति के पति कौन थे? उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री, ब्रह्मा जी की पहली पत्नी लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती, सती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। तीन रूप होकर भी दुर्गा आदि शक्ति एक ही है। आदि शक्ति किसकी पुत्री थी? भगवती दुर्गा वास्तव में जन्म मरण से परे हैं। जहाँ तक अवतार लीला की बात है तो वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में वे अवतरित हुई और फिर अपने अगले अवतार में पर्वत राज हिमावन और रानी मैना की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। वे पर्वत की राजकुमारी होने के कारण पार्वती कहलाई। आदि शक्ति कहाँ से आई? शैव पुराण, शिव पुराण के अनुसार आदि पराशक्ति ने ब्रह्मांड के आरंभ में भगवान शिव पर ब्रह्म के बाएं भाग से परमा प्रकृति के रूप में भौतिक रूप में अवतार लिया।